नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कुरुक्षेत्र लॉकडाउन के बावजूद दबंगई दिखाना और पुलिस से उलझना दो युवतियों को महंगा पड़ा। इसके बाद स्कूटी भी इम्पाउंड हुई और मामला भी दर्ज किया गया। अब दोनों लड़कियां जेल की हवा खा रही हैं। देश में पूरी तरह से लॉकडाउन है और लोगों को घर से न निकलने की नसीहत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो न केवल घर से बाहर निकलते हैं बल्कि अपनी दबंगई दिखाने से भी बाज नहीं आते। ऐसा ही कुछ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हुआ, जब लॉकडाउन के बावजूद दो युवतियां बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट के और बिना कागजात के होने के बावजूद पुलिस से उलझ गई। पहले ये दोनों बदतमीजी पर उतर आई और फिर हाथापाई भी करने लगी। कल से इन दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में ये दबंगई दिखाते हुए साफ नजर आ जाएंगे। इस पर जिला कुरुक्षेत्र की पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए स्कूटी को इम्पाउंड ही नहीं किया बल्कि दोनों को गिरफ्तार कर जेल का रास्ता दिखा दिया। कुरुक्षेत्र कृष्णा गेट चौकी प्रभारी राजकुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बिना नंबर और बिना कागजात के तथा हेलमेट भी इनके पास नहीं था। इन दोनों युवतियों ने पुलिस को गाली गलौज भी किया और बदतमीजी भी की। पुलिस ने जब इनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया बल्कि पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और हाथापाई पर भी उतर आए। अब दोनों के खिलाफ नियमानुसार आपराधिक मामला दर्ज करते हुए महिला थाने में भेज दिया गया है और जिसके बाद अदालत के आदेशों के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी इन्हें भेजा है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। चाबी गुड़िया दे दे इसको, चाबी गुड़िया चाबी दे दे इसको, अकाउंट कर दे दो, बॉन्ड कर दे तो ना सर, आप चाबी अपनी मिल जाएगी। जैसी नंबर देखो नहीं तो चौकी में ले जाते, बिल्कुल नहीं छोड़ देंगे। रीना ने बुला ले, बना रखी है, बना रखी चंद्रिया दे। नहीं
फोन